देश भर में होली पर ऐसे रंग बरसे कि हर कोई इन रंगों में सराबोर हो गया। क्या आम क्या खास होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। देश के नेताओं ने भी खूब होली खेली। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कांग्रेस नेताओं तक हर कोई होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। ये है देश के नेताओं की होली, रंगों से रंगीन। आज कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, मुद्दा नहीं है, सियासत नहीं है। त्योहार का रंग चढ़ा है, गुलाल की खुशबू, रंग रंगे रंगों की बहार है। आज कोई पार्टी का रंग नहीं है, आज यहाँ सब रंग, रंग मिलने के हैं, रंग होली के हैं। रंग के त्योहार में पूरा हिंदुस्तान रंगा है। देश के कोने कोने में होली के रंग उड़ रहे हैं। ऐसे में होली के रंगों में रंगे हैं देश के नेता भी। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी नेताओं पर छाया है होली का खुमार। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली। देखिए क्या गजब का ढोल बजा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ढोल बजाएंगे तो जाहिर है थिरकने वालों की कतार लग जाएगी। होली की मस्ती में मुख्यमंत्री चूर हैं। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने होली मनाई तो पूरी मस्ती के साथ मनाई, सब कुछ भूलकर खूब रंग उड़ाए। अब इन्हें भी देख लीजिए, ये हैं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। मुरली के साथ बन गए हैं कन्हैया। राजनाथ पर भी रंग अलग दिखा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने परिवार और समर्थकों के बीच जमकर होली मनाई। होली के रंग में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी सराबोर नजर आए। आडवाणी ने अपने परिवार के साथ होली मनाई। होली के हुड़दंग में आडवाणी की पत्नी भी शामिल थी। होली की धुनों ने आडवाणी की पत्नी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खेली होली। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नीतीश कुमार ने रंग और गुलाल उड़ाया। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम भी राजनीति को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करके होली के रंग में रंग गए। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित होली के रंगों में रंग गए तो विजय गोयल ने भी खूब होली खेली। आज तक फिर होली के रंग देश की हदों में उड़े, सरहदों पर उड़े, शहर शहर में उड़े। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, हर जगह लोगों ने उड़ाया गुलाल। कहीं रेन डांस पर लोग थिरके तो विदेशी भी होली की मस्ती में झूमे। होली रे होली, रंगों की डोली, आई तेरे घर पे मस्तों की डोली, मुख न टुपा और रानी सामने आ। देश भर में छाया है होली का खुमार। कोई नाच रहा है, कोई रंग गुलाल उड़ा रहा है, कोई रेन डांस कर रहा है, तो कोई अपनी ही मति में गुम है। क्या देसी क्या विदेशी। होली रे होली, सरहद पर भी जवानों ने खेली होली। देश के चप्पे चप्पे पर, कोने कोने में, हर शहर में, हर कॉलोनी में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोई चूर है होली की मस्ती। कृष्ण की नगरी मथुरा में लोगों को होली रंग जमकर चढ़ा। लोगों ने भागा कर होली मनाई तो फूलों की होली भी जबरदस्त रही। वृंदावन में भी लोगों ने जमकर उड़ाया रंग गुलाल, एक दूसरे को बधाइयां दी। दिल्ली एनसीआर में लोगों पर होली का रंग खूब रहा। फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रंगों की बारिश हुई और हजारों लोगों ने रेन डांस किया। होली के जश्न में डूबे नोएडा सेक्टर 44 के लोग। होली पर डीजे का खास इंतजाम किया गया। होली के रंगों से रंगी राजधानी दिल्ली वाले जमकर खेल होली। तालकटोरा गार्डन में लोग जमकर झूमे। मुंबई के सांता क्रूज में जमकर खेली गई होली।
लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया, बधाई दी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोग रंगों में सराबोर रहे। होली के त्योहार पर लोगों ने खूब खेला रंग, जमकर की मस्ती। कोलकाता में भी होली की धूम दिखी, लोगों ने खूब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। रंगों का त्योहार होली बंगाल में अपने अंदाज में मनाया जाता है। मैं इसमें हूँ गोल ग्रीन में, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई डोल यात्रा मनाई जा रही है। डोल यात्रा मतलब स्विंग फेस्टिवल, मतलब झूले का त्योहार, जहाँ पर श्री कृष्ण को झूले पर झुलाया जाता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं हर उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सब अपने हाथों में फूलों के लेकर सज कर धज कर हर रंग की साड़ियां पहनकर, पीले रंग की साड़ियां पहनकर सज धज के चलते हैं। बिहार और पंजाब के लोगों ने भी होली में जमकर हुड़दंग मचाया, तो गुजरात के अहमदाबाद में लोगों ने रेन डांस किया। देश भर में रंगों का त्योहार मनाया गया, तो सरहद के निगरबान भी होली पर जमकर नाचे। जवानों ने अपने ही अंदाज में मनाई होली। बोलो होली माता की। आज तक ब्यूरो। कुछ जगहों पर रिन डांस की तस्वीरें जरूर दिखी, लेकिन अमूमन लोग कोशिश ये करते हैं और इस तरह की जागरूकता आई है कि पानी की बर्बादी न हो, सूखे रंगों से होली खेली। लेकिन जहां देश के कुछ राज्यों में सूखे का असर है, वहां आसाराम होली पर जमकर पानी बहा रहे हैं। इस पर शर्मिंदगी तो छोड़िए, तुरंत दिखा रहे हैं। पानी बहाने पर सवाल हुआ तो बोले, ये किसी के बाप का पानी है। पहले महाराष्ट्र के विदर्भ के ये दृश्य देखिए, थकी हुई धरती, बिखरा हुआ किसान और बिलखते हुए लोग। अब जरा गुजरात के सूरत का ये दृश्य देखिए, और अब आसाराम की ये भाषा सुनिए। अरे जादे, हमारे भारतवासियों को बीमार करके तू करोड़ों डॉलर नोचता चला जा रहा है। अब बापू आ गए तुम्हारे छाती पर मूंग पीसने के लिए, या तो 6,000 नहीं 12,000 भी लगाऊंगा, भले जलने वाले जला। और मेरे साधक समझते हैं कि बापू इनकी छाती पे मूंग पीस रहे हैं, इसलिए कुत्ते भौंक रहे। और हम किसी सरकार के बाप का पानी नहीं लेते। इन पलाश के फूलों के रंग ये आप तय कीजिए कि भक्ति के नाम पर आसाराम के श्रीमुख से निकली इस भाषा में प्रीत है या पखंड। 40 साल के सबसे भयानक सूखे से संघर्ष कर रहे महाराष्ट्र की सरकार ने धर्म के इस ध्वजाधारी से सिर्फ इतना कहा था कि महाराज लोग प्यास से मर रहे थे, आप होली के नाम पर पानी ऐसे मत बहाइए। लेकिन इस अपील पर आसाराम का पारा चढ़ गया। मैंने बम्बई में 6,000 लीटर रंग बनवाया, एक पाइपलाइन में 2,000, तीन थी यहाँ तो 4, यहाँ तो 6,000 नहीं 12,000 भी लगाऊंगा, भले जलने वाले जला। तापी नदी के किनारे आसाराम के इस प्रदर्शन में कई बार हुई आध्यात्म की उदारता की हत्या। और मेरे साधक समझते हैं कि बापू इनकी छाती पे मूंग पीस रहे, इसलिए कुत्ते भौंक रहे। हरिओम हरिओम। उस उत्सव को अंग्रेजी शासन छोड़ दीजिए महाराष्ट्र, गुजरात में भी 9 जिले सूखा ग्रस्त है। जब चुल्लू भर पानी के लिए चिंतित हो लोग, वहाँ आसाराम अनर्थ के दागी देवता बने हुए थे। हम किसी सरकार के बाप का पानी नहीं लेते, किसी सेठ साहूकार का पानी नहीं लेते। हजारों की भीड़ भक्ति के नाम पर सुती रही, मानव सभ्यता के साथ आसाराम के आतंक की भाषा। पानी की रंगीन बौछार में मचता जा रहा था आंखों का पानी। और अभी भी तापी तट पे मैं तो दिल खुल के रंग छांटूंगा। साधक और भक्त और भगवान हमारे साथ है। और अब आसाराम की वो बात जो एक एक घूंट पानी के खातिर घर की तली तक झकने वालों के लिए घटिया और फूहड़ मजाक। हम तो हमारे यार का पानी बरसवाते हैं।
आस्था के नाम पर आसाराम ने सरेआम ईश्वरीय आपदा की खिल्ली उड़ाई। खुद को भगवान से ऊपर मान लेने के हास्यास्पद घमंड ने उनसे आदमी होने की नजर भी छीन ली। जहां भी सूखा पड़ा होता है दे दे तो दे ही हो जाता है, ऐसे कई दृष्टांत है। अब बापू आ गए तुम्हारे छाती पर मूंग पीसने। अभिमान ने आसाराम को अंधा बना दिया है, वरना उन्हें पता होता कि बारिश कराने की शक्ति का दावा 400 बीसी के सिवा कुछ नहीं है। नहीं तो आसाराम को साधकों के साथ बुरी खेलने के लिए नगर निगमों के टैंकर के लिए तरसना न पड़ता। आज तक ब्यूरो। होली पर सैफई में मुलायम कांग्रेस पर गरजे। कांग्रेस को धोखेबाज कहा तो सरहद पर होली खेलने गए गृह मंत्री शिंदे ने राहुल गांधी का राग अलापा। शिंदे ने कहा सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। होली के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपने गांव पहुंचे तो जरूर, लेकिन गिले शिकवे भुलाने का त्योहार होली उनकी खटास नहीं मिटा पाया। रंगों से जमकर होली खेलने के बाद कांग्रेस से खेल गए। कहा वो तो धोखेबाज है, हमेशा अपने वायदे भूल जाती है। इसका भावार्थ भी उन्होंने खुद ही साफ कर दिया। कहा गफलत में न रहे कोई, अगली बार सरकार तीसरे मोर्चे की बनने जा रही है। इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं तो आप लोग वहां भी चले जाते। मुलायम सिंह कहते हैं तीसरे मोर्चे सरकार बनेगी, हम बिल्कुल कहते हैं। नेताजी पहले से ही बेनी प्रसाद वर्मा कैबिनेट से हटाने की मांग पर अड़े हैं। उन्हें यूपीए से समर्थन वापसी के लिए जोरदार बहाने की तलाश है। डीएमके की समर्थन वापसी के बाद मुलायम यूपीए को ढोने का जिम्मा अपने कंधे पर नहीं ढोना चाहते। ऐसे में उनके तेवर हर रोज तल्ख हो रहे हैं। लेकिन जवानों के साथ होली मनाने पहुंचे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कुछ नहीं बदलेगा सिवाय प्रधानमंत्री के। राहुल जी तो बनेंगे, उनके लिए तो हम सब हमेशा प्रयास करते हैं कि वो बने और मुझे आशा है कि वो बनेंगे। जी होली का मकसद यही है, हम दुश्मन को संदेश दे सके कि हमारा मकसद है हम मिलकर रहे होली पर, तमाम चीजों को भूल जाए। तलवारें अब दोनों तरफ से म्यान से बाहर आ चुकी है। आडवाणी की तारीफ और कांग्रेस धोखेबाज, मुलायम को तो बस एक बहारा चाहिए। समर्थन तो है लेकिन दूर दूर से, इसीलिए वो चाह कर भी कांग्रेस को कह नहीं सके होली मुबारक। सफाई से साबिर शेख के साथ संदीप सुवलकर, जैसलमेर। आज तक परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि करगिल पर उन्हें फख्र है। कराची में एक संवाददाता सम्मेलन में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने वतन वापसी को जायज ठहराते हुए कहा कि वो मुल्क को बदलने आए। अभी कारगिल था जहां से हम आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं, पांच जगह में हम अंदर थे, चाहे कैसे भी वो मुजाहिदीन थे या एनएलआई थे। ये हमें फख्र होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमने पहली दफा एक अपने आप को एक फख्र दिलाया फौज को। पाकिस्तान का पूर्व तानाशाह 527 भारतीयों की शहादत वाले करगिल संघर्ष की परतें उधेड़ कर सत्ता का सपना पाले बैठा है। पाकिस्तान के हर हारे हुए हुक्मरान की तरह परवेज मुशर्रफ भी सत्ता हाथ से निकलने के बाद टायरों की तरह लंदन भाग गए थे और चुनावी मौसम में मौत से खिलंदड़ी के नाम पर लौट आए। पूछा मियां नवाज शरीफ से गुप्त समझौता क्या है, बोले कुछ नहीं। नहीं, मैंने मेरी कोई डील किसी से नहीं हुई है। मुशर्रफ अगर चुनाव हार गए तो लगभग तय माना जा रहा है तो फिर से लंदन भागने का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि बाद में रहेंगे या जाएंगे तो कहा ये फैसला बाद में ही होगा। देखिए वो जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा, देखते हैं क्या होता है कि इलेक्शन में हमारी पार्टी कैसी करती है, उसके बाद अगर कोलिशन बनती है या नहीं बनती है उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा अपने बारे में। अपनी अमेरिका परस्ती को जायज ठहराते हुए मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए यही ठीक है। एक तरफ बिलावल का अपने पिता आसिफ अली जरदारी से झगड़ा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की संदिग्ध सियासत और तीसरी तरफ इमरान खान की बढ़ती ताकत। 11 मई को पता चल जाएगा इसमें मुशर्रफ के लिए गुंजाइश कितनी है। आज तक